नमस्कार मित्रों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फिर से आपका मेरे चैनल तेजो एम ब्लॉग में। और आज आपको ले चलते हैं उत्तरायण के मेले में, दिखाते हैं आपको यहाँ कुछ झलकियाँ। तो बने रहिएगा अंत तक, वीडियो में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हमारे साथ। अभी हम लोग हैं नुमाइश खेत की तरफ और बागनाथ जी के मंदिर जाएंगे सबसे पहले। ये पुल मैं नया देख रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पिछली बार आया था तब ये पुल नहीं था, तब कच्चा पुल था नीचे वाला ही। तो यहाँ पर है आई लव बागेश्वर का बोर्ड, यहाँ पे लोग फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, आकर्षण का मुख्य केंद्र ये भी है। तो चलते हैं अब मंदिर की तरफ, उतरते हैं पुल से और पुल से ही थोड़े बहुत नज़ारे लेते हैं नीचे के। काफ़ी भीड़ है मेले में, पूरे पुल में लाइटिंग कर रखी है और रात में काफ़ी अच्छा दिखाई देता होगा ये। और आज मेरे साथ में मेरे दादा, भाभी और नंदू, सबका बंधु। एक और मुख्य आकर्षण का केंद्र है यहाँ पर शिला में भगवान शिव की आकृति, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए कितनी भीड़ है मेले में, बिल्कुल भी पैर रखने के लिए जगह नहीं है। और ये भगवान शिव की मूर्ति, तो अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले भागीरथी नदी में स्नान के लिए और फिर उसके बाद जाएंगे मंदिर पे। आ चुके हैं बागनाथ जी के मुख्य द्वार पर और यहाँ पर से ले लेते हैं कुछ सामान चढ़ावा और अब चलते हैं मंदिर की तरफ। अब सूज वगैरह उतार के दिखाते हैं आपको, भी मंदिर के दर्शन कराते हैं। देख सकते हैं बागनाथ जी का मंदिर कितना भव्य लग रहा है।
दोस्तों दर्शन आपने कर लिए होंगे और अब चलते हैं, मंदिर से बाहर निकलते हैं और ले चलते हैं आपको कुछ और दूसरी जगह। भीड़ देख सकते हैं आप लोग, चलने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं मिल पा रही है। अब सीधे शिव जी की मूर्ति के सामने जाएंगे और यहाँ पे भी फोटो खिंचाएंगे हम, और उसके बाद चलेंगे जो शिला पे आकृति बना रखी है पेंटिंग वहाँ पे। तो दोस्तों अब चलते हैं नुमाइश खेत की तरफ, वहाँ दिखाते हैं आपको झूला चरखा और जो जो प्रदर्शनियाँ वहाँ लगी हैं वो, और जो भी प्रोग्राम कल्चरल हो रहे हैं उधर वो। हवाई सेवा भी लगातार चली हुई है और आज हम भी बैठेंगे, 2000 तो हम भी खर्च कर लेंगे आज। तो यहाँ से देखिएगा मेले का नज़ारा और बागनाथ मंदिर, शिव जी की मूर्ति और मेले की दुकान है और भागीरथी नदी पूरे अपने उफान पे है। तो यहाँ पे है बागेश्वर, आई लव बागेश्वर का बोर्ड और यहाँ पे लोग फोटो खिंचा रहे हैं और काफ़ी भीड़ लगी थी यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से मौका मिला। तो अब बढ़ते हैं नुमाइश की तरफ, ये नुमाइश का गेट और नुमाइश में है बहुत ज़्यादा भीड़, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, पैर रखने की भी जगह नहीं है यहाँ। पता नहीं इतने दिन तक कहाँ से आ जाते हैं इतने लोग यहाँ। सबसे पहले दिखाते हैं आपको बच्चों का झूला, टैटू वाले भाई साहब, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बच्चे बड़े खुश हैं। पॉपकॉर्न वाले भाई साहब, गुड़िया वाले वाले भाई साहब और यहाँ पे है गोली वाली बहन जी, जिन्होंने काफी ट्राई किया एक भी निशाना नहीं लगा। अब चलते हैं प्रदर्शनी मार्केट में, यहाँ दिखाते हैं क्या क्या स्टॉल हैं, आप पढ़ते रहिएगा देखते रहिएगा।
ये स्टॉल कृषि विभाग का लग रहा है, काफी कृषि यंत्र, दालें, बीज वो सब है। और यहाँ पे भी कुछ, और यहाँ पे देखिए कुछ उन्नत किस्म के सब्जियां हैं। यहाँ पे मूली, गाजर, कद्दू, काफी बड़े बड़े सेठ जी टाइप, नींबू, माल्टा, संतरे, काफी सब उन्नत किस्म के। और यहाँ पे ये वन विभाग का लग रहा है, हरड़ मेहंदी क्या क्या है, जामुन, ये पेड़ लग रहे हैं, कुनेर, पुनेर, ये देखिएगा कैक्टस भी रखे हैं वन विभाग ने। अब ले चलते हैं आपको कहाँ पर है, खादी ग्राम उद्योग के कपड़े, जिला उद्योग केंद्र। अब ये है आपका पशुपालन विभाग का, काफी अच्छा मॉडल बना रखा है पशुपालन विभाग ने। माइक्रोस्कोप भी यहाँ पे है, अंडे हैं, पहाड़ी मुर्गी और मुर्गा और ककड़नाथ भी है। तो ककड़नाथ तो पहली बार देखा मैंने आज यहाँ। और अब इसी के बगल में है मशरूम का स्टॉल, और यहाँ पे है राज्य आपदा प्रबंधन का स्टॉल, यहाँ पे है रेस्क्यू किट वगैरह। और ये कौन सा स्टॉल है, विद्यालय शिक्षा विभाग उत्तराखंड। और यहाँ पे चल रहे हैं डांस प्रोग्राम, प्रोग्राम हो रहे हैं, सेलिब्रिटीज आ रहे हैं यहाँ पे, वो सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। अब निकलते हैं यहाँ पर से, क्योंकि सारे प्रोग्राम तो हम दिखा नहीं सकते, वापस जाना भी है। और अब बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं कुछ और। क्रॉकरी की मार्केट, तो इसके अंदर तो घुसेंगे नहीं हम, क्योंकि महिलाओं का ही ज़्यादा काम है, हमने क्या करना है। निकलते हैं आगे को, दिखाते हैं कुछ नया। आपको ले चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे भोटिया कुत्ते मिलते हैं, आते हैं वहाँ पे। बड़े ही प्यारे प्यारे कुत्ते हैं, देखिएगा काफी प्यारे कुत्ते हैं, लेकिन रेट बहुत ज्यादा है। ये डॉगी लगा मुझे सबसे प्यारा, काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन रेट इसका 20,000 था। हाँ कद कब हुई, कितने का? 20,000 का बेटा, 20 का, 20 का, 22 पंजे वाला है, अब बेटी वाला है, अब ऐसे लिंजी नहीं है, उनको देख लड़ मत।
ये बूट है तो भाई 4000 के, छोटे हैं सभी 1000 के। अच्छा हाँ, ये चाइनीज ब्रीड है। चाइनीज ब्रीड है, कौन सी ब्रीड है? चाइनीज ब्रीड में कौन सा ब्रीड है? चाइनीज ब्रीड में छोटा कद होता है ना, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। हां वॉशिंग हैंडल कौन तो आगे यार में जा रहे सब कुछ जा रहे चलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं तिब्बती मार्केट पर। मिलते हैं आपको वहाँ के कपड़े। मित्रों अब हम भी आ चुके हैं हवाई नहीं क्या कहते हैं हेलीकॉप्टर की सवारी करने। तो आप देख रहे हैं ये डिग्री कॉलेज बागेश्वर का फील्ड जिसमें बना है हेलीपैड, यहीं से ये उड़ान भर रहा है। और जैसे ही हम आए इसका फ्यूल ख़त्म हो गया, तो अब इसका फ्यूल भरा जा रहा है। 1 घंटा हो गया यहाँ पे खड़े खड़े। तो फाइनली अब नंबर आ चुका है और हम बैठ रहे हैं अब अपने चॉपर में और हम अब बैठ चुके हैं। हमारा पायलट रेडी है अब और ये उड़ा हमारा जहाज। अभी तेल बनाने में 1 घंटा तो हो गया। दोस्तों देखिए कैसा दिख रहा है हेलीकॉप्टर से नज़ारा अंदर और बाहर का। लो जी अब ये लैंड हो गया, उतरो भाई। तो गाइस अब करते हैं ब्लॉग को यहीं पे समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।